इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट क्या है और कॉपीराइट को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं पता कि कॉपीराइट का मसला क्या है और कॉपीराइट का बेसिकली यूज कैसे होता है। कोई भी कंटेंट जब आप पब्लिक के अंदर थ्रो करते हैं तो वो आपका ओरिजिनल कंटेंट है या आपने कहीं से चुराया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये ओरिजिनल कंटेंट आप पब्लिक के अंदर थ्रो कर रहे हैं और यू वांट टू प्रोटेक्ट दैट कंटेंट विद योर नेम, तब वो आपको कॉपीराइट कराना होगा। तो कॉपीराइट कैसे कराते हैं और कॉपीराइट क्यों कराना चाहिए और कॉपीराइट ला ब्रेक कैसे होता है। हम यूट्यूबर, जो भी यूट्यूबर लोग हैं, जनरली क्या करते हैं कि वीडियो अपलोड करते हैं और एडवांस सेटिंग के अंदर कुछ लोग इस हो सकता है इस सेटिंग को देख पाते हों और कुछ लोग नहीं देख पाते हों। तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये अप्रूव्ड कमेंट हैं, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि जो भी कमेंट आए उसको हम लोग पहले देख लें, कोई उसमें गलत तो नहीं लिखा है। तो सबसे पहले उसको रिव्यू मैं कर लूँगा और उसके बाद उसको मैं अलाउ करूँगा, तब अप्रूव करूँगा। दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे लिखा है कि लाइसेंस एंड राइट्स ओनरशिप। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो कंटेंट आप वीडियो के माध्यम के थ्रू पब्लिक में थ्रो कर रहे हैं, क्या उसका लाइसेंस है, और अगर लाइसेंस है तो किस तरीके का लाइसेंस आपने रखा हुआ है। तो जनरली दो ऑप्शन यहाँ इस बॉक्स के अंदर आप देखते हैं, एक स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस होगा और दूसरा क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन होगा। तो आप किस ऑप्शन को फॉलो करते हैं? इन जनरल जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैक्सिमम लोग स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को ही फॉलो करते हैं। क्रिएटिव कॉमन्स का बहुत ही कम अवेयरनेस है। तो ये क्रिएटिव कॉमन्स जो एट्रीब्यूशन है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस को फॉलो करूँगा तो क्या होगा। एक्चुअली दो ऑप्शन जो गिवन है इन दोनों के अंदर ही ये बताया हुआ है कि आप जो भी वीडियो शेयर कर रहे हैं उनके अंदर जो कंटेंट यूज कर रहे हैं, जो आपका आइडिया है वो ओरिजिनल है, तो आपने स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस विदाउट एनी टेंशन फॉलो कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब अब यूट्यूब विल टेक केयर ऑफ योर जो भी आपका कंटेंट है, अगर उससे मिलता जुलता या कहीं भी दूसरा होगा तो वो उसको नोट कर लेगा और आपको बता देगा कि आपका कंटेंट इस जगह शेयर हुआ है। ऐसा ही क्रिएटिव कॉमन करता है। क्रिएटिव कॉमन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप जो अपना कंटेंट है, जो आप अपने ये विचार रख रहे हैं या जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो किस फॉर्म में है और किस तरीके से दूसरा पर्सन उसको यूज कर सकता है, यूज कर भी सकता है या नहीं कर सकता है, या उसमें कुछ करेक्शन करके फिर यूज कर सकता है। तो इस तरीके की कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज को हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यूट्यूबर्स के लिए कि जब आप यहाँ पर लाइसेंस और राइट ओनरशिप की बात करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ थोड़ा सा YouTube को अगर आप क्लिक करते हैं या क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क को क्लिक करते ही जो आपके पास में एक छोटी सी विंडो बनेगी, उसके अंदर ये समझा दिया है कि भाई आपका कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट का मतलब ये नहीं कि आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च आर्टिकल या जो आपके ब्लॉग्स हैं उनके जो आर्टिकल्स हैं या कुछ भी जो लिख रहे हैं, कुछ भी जो बोल रहे हैं पब्लिक के अंदर, जहाँ पब्लिक आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं आप, तो उस हर जगह आपका एक कॉपीराइट बनता है कि आप जो भी उस कंसेप्ट को शेयर करें तो वो आपका रेफरेंस ले। तो कॉपीराइट यहाँ पर YouTube ने, जो YouTube हेल्प सेक्शन है, उस YouTube हेल्प सेक्शन में ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कॉपीराइट क्या है। कॉपीराइट आप चाहे बोल करके या चाहे आप लिख करके, ऑप्शन उन्होंने जो बताया कि भाई कॉपीराइट का सब्जेक्ट कहाँ कहाँ, कितना बड़ा उसका डोमेन है,
क्या-क्या एरिया उसके अंदर आ सकते हैं। तो नंबर वन वो लिखते हैं कि ऑडियो विजुअल वर्क्स, जैसे टीवी के प्रोग्राम हैं, कोई फिल्म है या कोई ऑनलाइन वीडियो अगर आप देखते हैं, अगर वो आपका नहीं है और आप उसको एज इट इज शेयर करते हैं या उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो कॉपीराइट प्रॉब्लम होगी। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि साउंड रिकॉर्डिंग्स एंड म्यूजिकल कंपोजिशंस। आप ऑडियो के थ्रू जो भी म्यूजिक सुनते हैं या कोई लिरिक्स सुनते हैं या कुछ भी है, अगर वो आपका नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको यूज नहीं कर सकते। आपको उसको रेफरेंस देना होगा जिसका ओरिजिनल कंपोनेंट है। उसी तरीका से ये रिटन वर्क्स के अंदर आता है, जैसे आपका कोई रिसर्च वर्क है या आप ब्लॉग लिखते हैं या लेक्चर देते हैं, कोई भी बुक लिखते हैं, कोई भी पॉइंट्स आपके कंपोजिशन, म्यूजिकल कंपोजिशन है, वो सब एरिया के अंदर भी कॉपीराइट प्रॉब्लम आते हैं। विजुअल वर्क्स हो गया, जैसे पेंटिंग हो गया, पोस्टर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, वीडियो गेम्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ड्रामेटिक वर्क सच एज प्लेज एंड म्यूजिकल। अब ये आप कोई भी एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए जहां पब्लिक उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकती है, वो आपका कंटेंट कॉपीराइट के अंदर आएगा ही आएगा। सिंपल लैंग्वेज में तो ये बात हुई। तो ये तो एरियाज डिफाइन किए हैं यहाँ पर यूट्यूब। अब फॉर एन एग्जाम्पल मैं यूट्यूब को यूज कर रहा हूँ, तो आई हैव टू थैंक्स टू दी यूट्यूब, और मुझको इनका रेफरेंस मेंशन करना होगा कि मैं इनके यहाँ से, यूट्यूब के यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को आपके यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तो ये रिफरल हुआ, ठीक है। मुझको पता है, मैंने एक इंफॉर्मेशन मेरे पास में है कि कॉपीराइट क्या होता है, लेकिन आपको दिखाने के लिए YouTube का ये पेज यूज किया, तो इसका रेफरेंस मुझको देना होगा। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप ये ऐसा कुछ कॉपीराइट के बारे में और बोलना चाह रहे हैं, तो आप कॉपीराइट को इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसकी रेफरेंस देना ही होगा। अब एक बात तो की थी हम लोगों ने YouTube लाइसेंस की, और दूसरी की थी क्रिएटिव कॉमन्स की, CC की। तो अब CC है क्या और इसके थ्रू हम लोग करते क्या हैं? CC क्रिएटिव कॉमन्स के थ्रू हम लोग जो भी कॉपीराइट से रिलेटेड मसले हैं उनको एक तरीके से लाइसेंस देते हैं, कॉपीराइट बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। और क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको हम देखते हैं। तो शेयर योर वर्क इस सेक्शन के अंदर वो क्या लिखते हैं कि यूज क्रिएटिव कॉमन्स टूल्स टू हेल्प शेयर योर वर्क। ये फ्री है और इजी भी है टू यूज करने के लिए। कॉपीराइट लाइसेंस प्रोवाइड ए सिंपल स्टैंडर्डाइज वे टू गिव यू परमिशन टू शेयर एंड यूज योर क्रिएटिव वर्क ऑन कंडीशंस ऑफ योर चॉइस। यू कैन एडोप्ट एनी ऑफ वन ऑफ आवर लाइसेंस, चार पांच इनके लाइसेंस हैं, उनमें से जो भी आपको सूट करता है कि भाई ये लाइसेंस के थ्रू आप इसको इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो लाइसेंस यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आप क्रिएटिव कॉमन्स डॉट ओ आर जी वेबसाइट पर जाइए, शेयर योर वर्क जो टैब है क्लिक करिए, और अपने जो भी आपका कंटेंट है और जिस लिमिट तक आप जा सकते हैं उस टाइप का आप लाइसेंस यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लाइसेंस के कितने टाइप हो सकते हैं? CC जो क्रिएटिव कॉमन्स हैं उसने यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया है कि ये कंडीशंस हैं और इन पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको इस लाइसेंस की जरूरत होगी। जैसे नंबर वन लाइसेंस कंडीशन, तो ये यहाँ पर बाई लिखा है, एट्रीब्यूशन बाई। तो इसके लिए अगर आपको CC बाई लाइसेंस चाहिए होगा तो उसके अंदर ये कंडीशन है कि ऑल CC लाइसेंस रिक्वायर्स दैट अदर्स हु यूज योर वर्क इन एनी वे मस्ट गिव यू क्रेडिट। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी आपको क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के बारे में बता रहा हूँ, और आपको भी ये आइडिया आ जाता है कि मैं इस टॉपिक पर और इस पॉइंट पर एक वीडियो, अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, सो देन दैट टाइम यू हैव टू गिव द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस वेबसाइट, देन यू कैन मेक। सो CC बाई
लाइसेंस उस पर्पज के लिए है कि अगर कोई उस इंफॉर्मेशन को शेयर करता है पब्लिक के अंदर, तो उसको आपको क्रेडिट देना ही होगा। क्रेडिट का मतलब कि आपका वो रेफरेंस मेंशन कर दे प्रॉपर एड्रेस के साथ में कि यहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया है, ये आइडिया लिया है। बट नॉट इन ए वे दैट सजेस्ट यू एंडोर्स देम और देयर यूज। इफ दे वॉन्ट टू यूज योर वर्क विदाउट गिविंग यू क्रेडिट और फॉर एंडोर्समेंट पर्पज, दे मस्ट गेट योर परमिशन फर्स्ट। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं कि रेफरेंस नहीं देते हैं, तब वो पर्सनली आपसे बात करके आप उसकी परमिशन ले सकते हैं कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और क्या मैं इसकी वीडियो बना सकता हूँ, क्या मैं इसका आर्टिकल लिख सकता हूँ, क्या मैं इसकी ऑडियो फाइल बना सकता हूँ। तो वो आएगा CC BY लाइसेंस के अंदर। अब सेकंड जो लाइसेंस है वो है CC SA। CC SA का मतलब हो गया शेयर अलाइक। इसकी कंडीशन क्या है अगर आपको ये लाइसेंस चाहिए? यू लेट अदर्स कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले, परफॉर्म एंड मॉडिफाई योर वर्क। अगर आपने लिख दिया कि भाई CC SA के अंतर्गत आपका कंटेंट आता है, तब क्या होगा, दूसरे लोग उसको एज इट इज कॉपी भी कर सकते हैं, उसको दूसरी जगह शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं, उस काम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज दे डिस्ट्रीब्यूट एनी मॉडिफाइड वर्क ऑन द सेम टर्म्स जो यहाँ पर डिफाइन की है। इफ दे वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडिफाइड वर्क अंडर अदर टर्म्स, दे मस्ट गेट योर परमिशन फर्स्ट। सो डायरेक्ट देर इज नो प्रॉब्लम, शेयर अलाइक जैसा भी काम है वो शेयर कर सकते हैं, तो इस लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा जो लाइसेंस है वो नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए है। ये आएगा CC NC, मतलब CC हुआ क्रिएटिव कॉमन और NC का मतलब है नॉन कमर्शियल। मान लो आपका कंटेंट है, आपकी वीडियो है, आपका आर्टिकल है, आपकी कोई भी ऑडियो है, म्यूजिक है, कुछ भी आप समझ लिए, आप ड्रामा करते हैं, प्ले करते हैं, उसकी वीडियो आपने बनाया हुआ है और आप यहाँ पर ये लाइसेंस ले लेते हैं CC NC, तब क्या होगा, उसकी क्या कंडीशन है? यहाँ पर कंडीशन ये है कि यू लेट अदर्स कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले, परफॉर्म अनलेस यू हैव चूजन नो डेरिवेटिव, मॉडिफाई एंड यूज योर वर्क फॉर एनी पर्पज अदर देन कमर्शियली अनलेस दे गेट योर परमिशन फर्स्ट। यहाँ पर भी क्या हुआ कि अगर आप ये लाइसेंस ले लेते हैं CC NC का, तो सेकेंड पर्सन आपकी कंसेंट ले ले, आपकी परमिशन ले ले, और आपकी परमिशन के बाद में आप उसके जैसा कॉपी कर सकता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कहीं पर दिखा सकता है, जो भी करना है, मॉडिफाई करना है मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन आपकी परमिशन की उसमें ज़रूरत होगी। तो ये वो लाइसेंस हैं। अब ये बोल रहे हैं फोर्थ इनका जो है नॉन डेरिवेटिव्स, ND, नो डेरिवेटिव्स। इस लाइसेंस की क्या कंडीशन है? CC ND, यू लेट अदर्स कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्प्ले एंड परफॉर्म ओनली ओरिजिनल कॉपीज ऑफ योर वर्क। इफ दे वांट टू मॉडिफाई योर वर्क, दे मस्ट गेट योर परमिशन फर्स्ट। अब इसमें क्या है, नो डेरिवेटिव्स अगर आ जाता है, तो ये बोल रहे हैं कि आप कॉपी करवा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ओनली ओरिजिनल कॉपी ऑफ योर वर्क। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सपोज किया मैं ये वीडियो यहाँ यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ और इस यूट्यूब की कॉपी आपका कोई फ्रेंड आपको देगा, तो वो हो जाएगी थर्ड पार्टी। तो ये बोल रहे हैं कि जो ओरिजिनल है उस कॉपी के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब थर्ड पार्टी के पास में जाके फोर्थ पार्टी से लेके उसको ऐसा नहीं कर सकते। इंटरनेट के जमाने के अंदर, इस मॉडर्न टाइम के अंदर, हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू करते हैं, और इंटरनेट के थ्रू वो जो इंफॉर्मेशन शेयर हम लोग करते हैं, क्या ओरिजिनल है, क्या कॉपी किया है हुआ है, या
किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की है, जहाँ से कलेक्ट की है क्या हमने उसको क्रेडिट दिया है, तो इन सब को चेक करने के लिए क्रिएटिव कॉमन्स बेसिकली प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो क्रिएटिव कॉमन हेल्प्स यू लीगली शेयर योर नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, आपको आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसका क्रेडिट मिले, इसके लिए ये क्रिएटिव कॉमन्स जो प्लेटफॉर्म है या कॉपीराइट जो प्रोसेस है बेसिकली वो हम लोग देखते हैं। एक्चुअल पर्सन, राइट पर्सन, जेन्युइन पर्सन को ही क्रेडिट मिले, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को कोई मॉडिफाई करता है, कोई शेयर करता है, कोई कॉपी करता है, कैसे करता है करता रहे, लेकिन क्रेडिट जो जाए वो ओरिजिनल पर्सन को जाए, जो जेन्युइन पर्सन है उसको मिले। तो क्रिएटिव कॉमन्स जो प्लेटफॉर्म है उस पर्पज के लिए यहाँ पर आपकी हेल्प करता है। अब ये देख लीजिए क्रिएटिव कॉमन्स जो प्लेटफॉर्म्स है वो कहाँ कहाँ हैं, और आप अगर वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्रिएटिव कॉमन्स जो है इस सेक्शन को मिल जाएगी और वो आपको मैसेज भेज देगा कि आपने ये इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट की है और इस वे में की है, तो वो कॉपीराइट प्रॉब्लम होगी। तो क्रिएटिव कॉमन्स प्लेटफॉर्म ये वी वर्क ये बोलते हैं कि किनके साथ में ये काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, और वो आप समझ सकते हैं कि फ्लिकर जहाँ आप सारे फोटो शेयर करते हैं, बैंड कैंप, विकिपीडिया, यूट्यूब नहीं बच सकते, एंड ये इंटरनेट आर्काइव और वीमेओ और विकी मीडिया कॉमन्स, एफ एम ए, स्किल्स कॉमन्स, बाउंडलेस, यूरोपीना, ट्राइब ऑफ नॉइज, जमेंडो और MIT ओपन कोर्स वेयर एंड प्लोस। तो ये बिग प्लेटफॉर्म है जहाँ से कोई भी पर्सन जो है या तो इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करेगा या इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेगा। अगर यहाँ से ली है और उसको क्रेडिट नहीं मिला तो क्रिएटिव कॉमन वहाँ पर आपको एक मैसेज भेज देगा। तो इस टाइप से ये पूरा जो इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन शेयर है उसका ओरिजिनल जो पर्सन है एक्चुअली उसको क्रेडिट मिले उस पर्पज से ये कॉपीराइट मैटर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जब पब्लिक के साथ में शेयर करते हैं तो आपने जहाँ से आइडिया लिया है तो आपका कर्सी है कि आप उस पर्सन को क्रेडिट दें, उसका रेफरेंस दें अपने आर्टिकल में, अपने वीडियो के अंदर, जो भी आपको ठीक लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ आपको एक मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ, ये रिसर्च जर्नल है और इस रिसर्च जर्नल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही आएगा, लाइसेंस एंड कॉपीराइट एग्रीमेंट। तो यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन 3 लाइसेंस इन लोगों ने यूज किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन कॉपी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है आर्टिकल और मॉडिफाई कर सकता है, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन वही होगी कि उसको उसका रेफरेंस मेंशन करना होगा, उसका जहाँ से भी वो कंटेंट लिया है, वो आर्टिकल का या वो सेंटेंस यूज किया है या वो कंसेप्ट यूज किया है। तो ये इम्पोर्टेंट, आप अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के जर्नल भी देख सकते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन 3 लाइसेंस CC BY यूज किया है। द मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप यूज करिए, कंटेंट यूज करिए, कंसेप्ट यूज करिए, वट एवर आपको जो भी दिखाई पड़ता है अपने फील्ड में आप यूज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज आप क्रेडिट दीजिए जहाँ से भी आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो यहाँ इस सेक्शन के अंदर जो कॉपीराइट को एक्सप्लेन करने की ट्राई की है यूट्यूबर्स के लिए, तो वो इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान में रखें कि आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यूज कर लें, चाहे क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन यूज कर लें, CC BY यूज कर लें, जो भी आपको ठीक लगता है, जो भी आपके अकॉर्डिंग, आपके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग आपको मैच करता है वो लाइसेंस आप ले लीजिए, और दोनों में से आप किसी को भी रख सकते हैं। लेकिन ये होगा, होना चाहिए किसी भी पर्सन के पास में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दी क्रिएटिव कॉमन्स और रिलेटेड टू दी कॉपीराइट, यू कैन जस्ट मैसेज मी जस्ट बिलो दिस वीडियो। आई होप आई हैव क्लियर कि भाई वो कॉपीराइट प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे ले सकते हैं और कैसे उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं।
और एक यूट्यूबर के लिए जो बहुत एक्टिव यूट्यूबर है उसके लिए ये जरूरी है कि वो क्रेडिट दे जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।